हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल, स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फेस्टिवल सीजन है, सभी अपनी पढ़ाई भी कीजिए और फेस्टिवल भी इंजॉय कीजिए, है ना। पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, डेली पढ़ाई करनी है ज़रूर, और प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लगाने हैं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी करना है, क्योंकि एग्जाम का कुछ नहीं पता कब है, और फेस्टिवल्स के बाद अगर आपने ये टाइम अगर नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। पार्ट नंबर 5 है ये, और अदर वीडियोस के लिए अदर प्लेलिस्ट जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका भी लिंक मेंशन है वही डिस्क्रिप्शन में ही। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आगे बढ़ चलते हैं। सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो उसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2 है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? ये है आपका, इसके लिए आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग पर, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद इसको कहा जाता है गंगा नदी, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का जहाँ पर संगम होता है उसके बाद से ही उसको फिर उस जगह से ही उसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि अलकनंदा जो है इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है, तो ये है आपका सतोपंत हिमनद से, सतोपंत हिमनद से, ठीक है। और ये आपका उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है या फिर उद्गम स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर भी रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार आपको बताना है कि अपवाह क्षेत्र को आपको ध्यान में रखना है और घटते क्रम को ध्यान में रखना है, और उसके अनुसार आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनमें कौन सा उनका क्रम बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले सबसे ज्यादा है गोदावरी नदी का, फिर कृष्णा नदी का, देन महानदी, और फिर लास्ट में है आपका कावेरी नदी। अगर हम बात करें इनके अपवाह क्षेत्र की तो सबसे ज्यादा गोदावरी नदी का है, 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अमरावती, भवानी, हेमवती व तथा काबिनी जो नदी है वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका ही जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, और मेनली जो नदी है ये कहाँ बहती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोल खोज जो है उसका संबंध किस प्रकार की कृषि से है? तो इसका आंसर आपका जाएगा सामुदायिक या फिर सामूहिक कृषि, ठीक है। तो सामूहिक कृषि के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है सोवियत संघ से, और क्योंकि इसमें जो कंट्रोल है, जो स्वामित्व है वो किसके पास होता है, वो संपूर्ण समाज के पास होता है, ठीक है। तो कोलखोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है, ये आपकी सामूहिक कृषि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ पर नहीं की जाती है इनमें से, तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन। इसके अलावा आपको पता ही है स्टेपीज जो है ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, अनाज वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास या फिर वेल्ट्स, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कायांतरित शैलों के संबंध में नीचे दिए गए कुछ कथन हैं, उन पर विचार कीजिए और फिर बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो उष्मीय कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, फिर दूसरा है कायांतरण की प्रक्रिया जो है उसके दौरान कण या फिर खनिज सतहों पर परतों के रूप में व्यवस्थित होना पतरण कहलाता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, चैनल टनल निम्नलिखित में से किन दो आर्थिक रूप से समृद्ध शहरों को जोड़ता है? तो ये दो समृद्ध शहर कौन से हैं आपके, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिस और लंदन, ठीक है, पेरिस और लंदन। और चैनल टनल का मतलब यहाँ पर है रेल सुरंग से, ठीक है, ये किस तरीके की है, रेल सुरंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन्य प्राणी अधिनियम जो है ये जो आया था 1972 में, उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट देखनी है और फिर विचार करना है और बताना है कि कौन सी करेक्ट है। तो ये जो अधिनियम है वन्य प्राणी अधिनियम 1972, इसमें संरक्षित किया गया था वन्य प्राणियों को, उनकी रूपरेखा तैयार की गई थी कानून से रिलेटेड, ठीक है। फिर है इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान की गई। तो इसके लिए जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 1991 में एक चीज़ और ऐड की गई थी, इसमें पनिशमेंट भी ऐड कर दी गई थी, यानी ताकि इसको थोड़ी सी और स्ट्रिक्टली तरीके से इसका पालन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है कहाँ पर, ठीक है।
आपको पता है प्रायद्वीपीय मानसून जो है वो दक्षिण की तरफ से एंटर करता है यहाँ पर, और फिर उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो फिर इस तरीके से हमें बताना है कि ये दोनों कब जाकर मिलते हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलास्का राजमार्ग किनके बीच से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडमिंटन और एंकोरेज, एडमिंटन और एंकोरेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, मराठवाड़ा पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। जो पर्वत है उसके जिस ढाल पर हवा आकर टकराती है और फिर वहां पर फिर क्या हो जाती है, बारिश आ जाती है, तो उसे पवनमुखी ढाल कहते हैं। दूसरी सिचुएशन है, एवं पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे आती है उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं, और इस ढाल पर क्या होता है, वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर अपने। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि पहला है भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है, दूसरा है इसका जो है पूर्वी देशांतर 80 डिग्री साथ है। ठीक है, तो ये बताइए आपको स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो आपको जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सिर्फ केवल एक, यानी आपका जो इंडिया है ये उत्तरी गोलार्ध में है। क्वेश्चन नंबर 15, भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है। तो ये है आपकी सतलुज नदी पर, और ये सतलुज नदी जो है शिपकिला दर्रे से बहती हुई पंजाब में एंटर कर जाती है, पंजाब के मैदान में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ईजी भी है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का क्या कारण है। तो इस तट पे क्या है, बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर ये तट पड़ता है। दूसरा है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए ये शुष्क रहता है। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों ही जो आपके स्टेटमेंट है दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से युग में, बिल्कुल सही है, वन्य प्राणी अधिनियम 72 में ही आया था, प्रोजेक्ट टाइगर भी 73 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हैं वो आपके बिल्कुल ठीक हैं। 19 पर चलते हैं, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत जो है उसका कुल क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है विश्व का, 3%। और दूसरा है, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्तीय पर्वत अवस्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। कैसे, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल है वो 3 नहीं लगभग 2.4% है। दूसरी बात, यहाँ पर भ्रंशोत्तीय पर्वत नहीं है, ये आपके हैं नवीन वलित पर्वत, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, नाम है हिमालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, आपको बताना है कौन कौन सी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेंगे। लवणीय दलदल, ज्वारीय संकरी खाड़ी, या फिर 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश, फिर पंख मैदान। तो इसका जो आंसर जाएगा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4, यानी ये वाली स्टेटमेंट सेकंड नंबर की और फोर्थ वाली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और थर्ड वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि बारिश का, वर्षा का, वर्षा की मात्रा का इससे कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कथन है हमारे पास पहला, संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उनका जो स्वामित्व है, यानी उनका जो कंट्रोल है वो, यह संचालन जो है वो राज्य और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। दूसरा है, सहकारी क्षेत्र जो है उनका जो स्वामित्व है वो और संचालन किसके द्वारा होता है, सरकार द्वारा। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इनमें से कौन सा कथन सही है, सिर्फ पहले वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22, मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति भी है वहाँ की। दूसरा है, मैंग्रोव पौधों की जो जड़ें होती है पानी में डूबी रहती हैं, इनमें से करेक्ट कथन कौन से हैं। तो ये जो दोनों ही कथन हैं दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो ए और वन एंड टू दोनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। और जहाँ पर ये इकट्ठा होता है यहाँ पर मिट्टी और जो बालू है वो इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़मीन सही रहती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योगों के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और चिकित्सा, ये है आपकी सनराइज उद्योग।
क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं, निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में सहकारी कृषि आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क में आपका सहकारी कृषि आंदोलन है वो सबसे ज्यादा सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कारखाना कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आपका, इस प्रकार के जो कृषि होते हैं वो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा है, इसके अंतर्गत सब्जियों और नकदी फसलों की कृषि की जाती है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, यानी केवल दो। तो फर्स्ट नंबर वाली स्टेटमेंट आपकी सही है, लेकिन सेकंड नंबर की स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए इसका आपका आंसर जाएगा केवल दो, और आपसे पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हो गया है, और ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताने वाला, जो कि है, लोह इस्पात उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं क्या? कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर या बॉक्साइट? अब आपको कूट जो दिया गया है वो देखना है, और फिर सही आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आई होप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए क्वेश्चंस को देखकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आई वीडियो तो लाइक करना ना भूलें।